गर्मी हो या बरसात हो या धूप हो या रात हो दिन हो, 24 घंटा गैंगमैन की कहता है हमेशा अपना की कहता है एक फौजी की तरह रेल पर अपना ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। कभी भी या 12 बजे रात 2 बजे रात कभी भी जरूरी पड़ता है तो रेल कर्मचारी एकदम तैनात रहते हैं हर हमेशा, और अपना काम को अपना जान जोखिम में डालकर अपना रेल को अंजाम देते रहते हैं कि इसलिए कि हमारा यात्री सही समय सही वक्त पर अपना सफ़र कर सके, कि कोई की कहता भाई से मिलने कोई वाहन से मिलने जा रहे हैं तो किसी को कष्ट ना हो। देखिए हो गया झंडा और ई हो गया रिंच और ई हो गया गेंद गेंद का डायरी, जो हम दिन भर काम करते हैं जी। शाम को हम की कहता है जो अपना 4 बजे हम इसमें कहते लिखते हैं जो हम की कहता है कितना काम किए हैं नहीं किए हैं दिन भर में, यही सब लिखते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं मानस और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब और मानस ब्लॉग। दोस्तों, भारतीय रेलवे में जितने भी पैसेंजर ट्रेन से लेकर जितने भी मालगाड़ी ट्रेन चलती है, इन ट्रेनों को अपने गंतव्य स्थल तक सही समय में एकदम सुरक्षित में पहुंचाने के लिए रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। सो इन डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट है की मैन, जो कि रेलवे के ट्रैक के यहाँ पर मेंटेनेंस करते हैं। सो आज आपको इसी वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे में जो की मैन रहते हैं उनका जॉब प्रोफाइल कैसे आता है वो आपको मैं बताऊंगा, उनका काम कितना डेंजरस है कितना रिस्की है और कितना महत्वपूर्ण है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। सो आज के भी इसी वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेलवे में जो रहते हैं की मैन उनका जॉब कैसे रहता है। ट्रेन जॉब बहुत तेज़ी से चलता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये यहाँ पे जो ट्रेन का चक्का है, देखिए यहाँ पे ये जो क्लैंप लगा हुआ है ये हमेशा मजबूत रहना चाहिए, यहाँ पे कभी ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ये ढीला हो जाएगा तो ये जब इतना तेज़ी से ट्रेन चलेगा ये ट्रैक पर सो ये बहुत एकदम पूरा टाइट होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रैक पूरा फिसल जाएगा यहाँ पर जो पटरी से। तो ये इसलिए जो की मैन वो हमेशा बारी बारी में चेक करते हैं कहीं पर कौन सा भी कोई क्लैंप ढीला तो नहीं हुआ है। पराका। अच्छा, इसका क्या काम है? इसका काम है जो अगर की कहता है रेल टूट जाने को बाद सेफ्टी हम की कहता करेंगे। चलिए रेल पर बतलाएंगे, पहले इसको पहले देख लीजिए। हाँ, पहले सर एक चीज दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। ये हो गया झंडा और ई हो गया रिंच और ई हो गया गेंद गेंद का डायरी, जो हम दिन भर काम करते हैं जी। शाम को हम की कहता है जो अपना 4 बजे हम इसमें कहते लिखते हैं जो हम की कहता है कितना काम किए हैं नहीं किए हैं दिन भर में, यही सब लिखते हैं। ठीक है, तो आप काम स्टार्ट कितने बजे करते हैं? काम करते हैं 5 बजे से, हमको ड्यूटी है 5 बजे से 9 बजे तक है, फिर 9 बजे के बाद फिर अपना आते हैं गोरा धोते हैं खाना पीना खाते हैं, फिर 12 बजे लाइन पर चढ़ते हैं। यहाँ से आपका काम शुरू होता है? यहाँ से गेट पर से जी, इधर इधर साइड आपको चलने का काम है, इधर हो गया अपलाइन, इधर अपलाइन हो गया। हाँ, इधर बेगूसराय तरफ, बेगूसराय, अगर बेगूसराय तरफ हम चलेंगे जो आगे जो गाड़ी आएगा हमको दिखाई पड़ेगा जी, और उधर से जब हम उधर से लौटेंगे तो हम डाउन लाइन पकड़ लेंगे कि जो गाड़ी बरौनी से आ रही है
वो हमको ताकि आपको सामने से दिख जाए और हाँ, समय रहते आप हट जाए, हट जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कभी काल होता है जो कुहा लगने के बाद वो भी गाड़ी दिखाई नहीं देता है। फॉग जब आ जाती है तो वो हाँ, गाड़ी देखने में काफी हाँ, तकलीफ होती हाँ, है आपको। अब जैसे मान ले रोड है, कजे जाइएगा तो आपको रोड और लाइन दोनों बराबर मिल जाएगा। हाँ राइट, कजे है जो ऐसे दोनों जाइए तो आपको रोड और लाइन दोनों के हटले लगभग की कहता है जो 10 कदम के आसपास नदी की, और दोनों हॉर्न गाड़ी का रोड का हॉर्न और इसका हॉर्न दोनों मिल जाता है। उस समय आपकी लाइफ को काफी हाँ, खतरा हो जाता है, इसलिए कि हर हमेशा मतलब की कहता है जो चौकन्ना रहना पड़ता है हमें। अच्छा, तो आपको हर एक दिन में चलते हैं थोड़ा पैदल चलते हुए हाँ, आपको एक दिन में कितना किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में अप डाउन 6 किलोमीटर, ये आपको हर दिन करना पड़ता हाँ, है। रेलवे में की मैन के जॉब में बहुत रिस्की रहता है और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि अगर उनसे थोड़ी सी लापरवाही हो जाएगी उनके ड्यूटी करने में तो ट्रेन में यात्रा करने वाले हजार हजार मुसाफिर अपने जान में खतरा आ सकता है और पता नहीं कितने जान माल का नुकसान होने का भी चांसेस रहता है। सो ये की मैन जॉब इतना आसान नहीं है रेलवे में, सो ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और बहुत रिस्कीफुल भी रहता है। इसे मारते जाइए, ढीला रहेगा इसको हमको कसते हुए जाएंगे। हाँ मारते चलिए, देखिए ये निकला हुआ था जैसे, अभी इनको टाइट करना है एक एक क्लैंप को इनको। तो ये हर एक की को देखना और पॉइंट पे जहाँ पे, और इनको इसके साथ साथ सामने भी देखना पड़ता है, हर एक चाबी पे नज़र दौड़ाते हुए जाना पड़ता है। बेल्डिंग है, इस बेल्डिंग मान लिया जाए ये दोनों पंडुल अधिक बाल्टू खुल गया जी, खुल गया ये भी बाल्टू खुल गया तो ये प्लेट दोनों साइड हो जाएगा। अच्छा, बन जाएगा हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम अब देखिए जब हम इसको की कहता है जे, फिर हम कसेंगे। तो देखिए इनको जो पहले हम कहते इधर के तक कसते हैं आगे आइए देखिए, अब मतलब बुझे कि जो है इसको ट्राइट कर रहे हैं। देखिए नजर रखना पड़ता है, देखिए ये टाइट करते करते इनको पीछे कोई ट्रेन ना आ जाए उसकी भी नजर रखनी पड़ती है ताकि ये समय रहते यहाँ से हट जाएं। अब देख सकते हैं कितना है, अकेले इनको ये काम करना पड़ता है, साथ में कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। और इसको जैसे ये ढीला है तो अब हम क्या करते हैं इधर बैठ के कसेंगे, पीछा तो हम नहीं देख पाएंगे। नहीं राइट, देखिए इनका कहना है जो अभी जो ये कसने का काम है, ट्रेन जो है इनकी उस डायरेक्शन से आएगी, अभी जिधर बैठे हुए हैं उधर उनका पीठ है, ट्रेन अगर आ जाए बिना किसी हॉर्न के तो इनकी जान चली जाएगी। तो कितना डेंजर भरा यह जॉब है आप इस चीज़ को समझो, ऑन ग्राउंड से समझो तब आपको पता चलेगा। सब कुछ है लेकिन ये जो है पक्का हम की कहता है रेल बांध देते हैं। अभी आपात स्थिति में अगर कुछ हो जाए तो ये कैसे संकेत करेंगे लोको पायलट को, देखिए ये समझा रहे हैं जो है ऐसे करके हम रेल बांध दिए, इसको बांधना था मतलब कि कहते थे दूर नहीं 9 खंभा पर इसको अच्छा लगाना था हाँ हाँ लगाएंगे, लेकिन अभी मान लीजिए कि उनको अथी भाव को हम बता देते हैं 9 खंभा पर 2 परका लगता है और 18 खंभा पर 1 परका लगता है। अच्छा, इससे क्या होता है पायलट को सिग्नल चला जाता है। हाँ, ऐसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ ये हो गया 9, मान लिया ये 9 और ये 9 और ये हो गया आपका 18 हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ गाड़ी आ जाएगा हाँ तो
ये जो का हम की कहता है यहाँ गाड़ी आएगा उसके बाद उधर से हम दौड़ते आएंगे तब इसको हम उठा लेंगे। अच्छा, उठा कर फिर के कहता आगे यहाँ से जाते जाते वहाँ मान लीजिए जो बिल्डिंग है वो, वहाँ अगर रेल टूट गया तो गाड़ी अपने आप मतलब तीनों पर का जो फूटने के बाद में तीनों पर का फूटने के बाद एकाएक ड्राइवर अपना सावधानी हो जाएगा। अच्छा, रेल तो पहला हम क्या करेंगे कि जो की कहता है अपने पिडोला साहब को हम फोन करेंगे ये सर इतना खंभा नंबर पर 175/19 और 175/17 के बीच में रेल टूट गया है तो कहेगा कौन लाइन में था, हम बोलेंगे सर आप लाइन में। तब हम इसको क्या करेंगे जो अपना की कहता है पहला नंबर है हम इसको सेफ्टी करेंगे जो वहाँ प्लेट जो हम कस रहे थे वही हम यहाँ पर प्लेट नान कर उसके बाद में हम इसको यहाँ देकर कस इसमें एगो क्लेम रहता है। हाँ। क्लेम कहाँ दन है उसमें वहाँ लगा हुआ है। हाँ। तोर्म क्लेम ऐसे करके वो पकड़े टाइट कर देंगे उसके बाद हम अपना पिडलवा साहब को फोन कर देंगे कि मैं अकेला रहता है वो हमेशा अकेले चलता है। हाँ, हमेशा अकेला रहेगा अगर कोई खतरा हो गया तब हम मेट को साहब को फोन कर सकते हैं नहीं तो कीमेन कोई भी कीमेन हो हम हैं या और कीमेन है वो कीमेन अकेला रहता है 5 बजे चलता है फिर उसको 12 बजे लाइन पर चढ़ना रहता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना ड्यूटी करते रहता है हर चीज देखते हुए रेल को सुरक्षा करते हुए अपना सुरक्षा भी करना है उसको क्योंकि अपने आप हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो रेल के कैसे सुरक्षा। सही बात। रेलवे में की मैन के जॉब लाइफ के ऊपर आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि रेलवे के की मैन के ऊपर आपको आज में जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरा आगे आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। सो बहुत जल्द हम लोग और एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, स्टे होम स्टे सेफ्टी और कोरोना से बच के रहिए।